और ये मैं ऐसे वीडियो में बोल रहा हूँ, बेसिकली हमारी बात लड़कियों के बारे में होती है कि क्यों हम सिंगल हैं, क्या सीन हो रहा है, क्या गलत गलती है हमें। लेकिन जब रिलेशनशिप में होता है तब लगता है कि साला रिलेशनशिप सिंगल क्यों है, हाँ सिंगल होना चाहिए। ये वाली बात है, मैंने बहुत सी बात की है। बाकी बढ़िया, आगे क्या होता है, चल रही है जिंदगी? निकी जिंदगी चल रही है? हाँ चल रही है। बढ़िया चल रही है, खुश है भाई? कितना खुश है भाई? वही करना भाई, एक कोट बोलते हैं, एक कोट, एक कोट निकी की उठ्स, की उठ्स जो नेवर गिव अप। ये क्या आगे और होनी है ना, मंजिल के ऊपर है, आगे वाले मंजिल के ऊपर है, बढ़ना चाहिए मंजिल के ऊपर। बाहर बाहर, जिम से बाहर, जिम से बाहर सीधा। दिमाग खराब हो रहा है इसलिए कोट नहीं सुना पा रहा मैं। लास्ट वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट करा कि इट इज गुड टू सी दैट निक्की भाई इज लूजिंग वेट। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निक्की भाई ने घंटा कोई वेट लूज नहीं किया, उस दिन इसने टी शर्ट थोड़ी लूज पहनी थी इसलिए ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि निक्की भाई की डाइट अभी भी डेली की दो कुलचे या फिर कुलचे खाता नहीं। परसों तो वो नहीं खाए, कचौड़ी दो, कचौड़ी दो, दो प्लेट करता है। अरे क्या करें, दो प्लेट कचौड़ी, दो प्लेट कचौड़ी मतलब चार कचौड़ी के पीसेस, कुछ नहीं बताओ सर। कचौड़ी पेप्सी इसका डेली का, पेप्सी भी पीता हूं कभी भी। अभी तुम्हें थोड़े दिन पहले वो नहीं खाया बर्गर केएफसी, तेरे घर में वो चिकन आया रात को खाया था ना, हां तो रात को काउंट नहीं होता, देख लो इसकी हरकत है। सो गाइस बैक होम एंड हल्की सी नींद भी आ रही है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी उठ गया था आज और सुबह जिम जाने से पहले कुछ खास खाया नहीं था, तो टेक्निकली मैंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, तो सोच रहा हूँ कि फटाफट ब्रेकफास्ट करूँ उसके बाद एक छोटा सा नैप ले लूँ, क्योंकि टुडे वी हैव द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अगर मैं दुबई गया होता तो मैं भी वहाँ स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहा होता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि टीवी पे भी मज़ा ही आता है, तो मोस्ट लाइकली फ्रेंड्स के साथ मैच देखूंगा एंड इट विल बी अ गुड वन। सो गाइज फॉर टुडेज ब्रेकफास्ट आई एम गोना हैव मसल ब्लेस की ब्रांड न्यू हाई प्रोटीन म्यूसली, ये है फ्रूट एंड नट फ्लेवर और ये है डार्क चॉकलेट एंड क्रैनबेरी फ्लेवर, सो आई एम गोना गो विद दिस वन। मसल ब्लेस ने अपनी म्यूसली को हाई प्रोटीन बना दिया है, इसके 100 ग्राम्स में आई एम गेटिंग 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 54 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही वेल बैलेंस्ड फ्लेवर है और इसमें हेल्दी फैट्स के लिए चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स ऐड करे गए हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। और मेरा डिस्काउंट कोड मोहित30 यूज करना मत भूलना, डिस्काउंट मिलेगा बढ़िया वाला। और मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख से मसल ब्लेस की फिट फूड सेल चालू है जिसमें आपको सीरियल्स, प्रोटीन बार्स और पीनट बटर जैसी चीजें बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाएंगी, तो आप अपना मसल बिल्डिंग फूड स्टॉक कर सकते हो, सो डू चेक इट आउट एज वेल। Guys, finally, after 15-20 days, Flipkart ने मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और सही प्रोडक्ट मुझे डिलीवर कर दिया। लेकिन इस बार जब डिलीवरी वाला आया था मैंने उसी के सामने पैकेट खुलवाया और चेक करा कि भाई प्रोडक्ट सही है कि नहीं, और फाइनली जो सही प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था वो मेरे पास आ चुका है, द ऑल न्यू सोनी A7C कैमरा। दिस इज द लाइटेस्ट फुल फ्रेम कैमरा, मतलब बहुत ही हल्का है और बहुत ही बीस्ट ऑफ अ कैमरा है, और एक साल पहले मैं नहीं ले पाया था क्योंकि आउट ऑफ बजट था, और इस बार भी आउट ऑफ बजट था थोड़ा सा क्योंकि महंगा कैमरा है, बट मैंने सोचा कि भाई अभी नहीं लूंगा तो फिर भाई ऐसे सोचता रहूंगा और कभी भी नहीं ले पाऊंगा। और हाथ में पकड़ के भाई इतना बढ़िया लग रहा है, इतना हल्का है। दिस इज हाउ द कैमरा बॉडी लुक्स लाइक। और गाइज ये कैमरे की मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉडी खरीदी है क्योंकि मुझे इसके साथ डिफरेंट लेंस यूज करना था। हियर इज द लेंस दैट इज सैमयांग का 18 mm f
2.8, तो ये व्लॉगिंग में भी यूज हो जाएगा, और जो मैं सिनेमैटिक शूट्स करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए और अपने ब्रांड नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो वो दोनों कवर हो जाएगा। और इस कैमरे के लिए मुझे अपना दुबई ट्रिप मिस करना पड़ा, बट विल मेक श्योर दैट इट वॉज वर्थ इट। रगड़ दूंगा इसको अच्छे से। और गाइस, आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, और मैं हूँ रोहित है और योगी है। हम यहाँ पे लैपटॉप लगा के पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया के 3 विकेट गिर चुके हैं गाइस, मैच बहुत रोमांचक चल रहा है, ठीक है। कोहली की यहाँ पर लंबी पारी बहुत जरूरी है। ये क्या कर रहा है यार पंत भाई? नहीं 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 नहीं, रिव्यू लिया, रिव्यू लिया भाई यार, तारीफ ही कर रहा था मैं। क्या लगता है योगी, आउट है कि नहीं है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई वो इतना कॉन्फिडेंस में है। नॉट आउट, बच गया भाई पंत। और मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान कितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, कितना भी कम खेले, उनके फास्ट बॉलर्स हमेशा उभर के आते हैं। आज भी नाम क्या था उसका, अफरीदी भाई, फाड़ू बॉलिंग कर रहा है बंदा। गाइज अच्छा खासा हम एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। इंडिया वापस ट्रैक में आ रहा था, लेकिन एक और मनहूस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बसरा ने हमें ज्वाइन कर लिया, ठीक है। हमने कहा था खाने पीने का सामान ले आइए पूरा, बसरा ये लाया। आप देख सकते बोला है यूएसबी केबल, माइक्रो यूएसबी केबल बोली थी तूने। बाकी बढ़िया है, वन लाइफ। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है रोहित के हाथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पूरा हेल्दी सीन्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और योगी है, और लेफ्ट हैंड में कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, और आपको भी कभी पता लगेगा क्योंकि व्लॉग में नहीं आ रहा है। गाइस कोहली भाई सिर्फ 2 रन शॉट है अपनी हाफ सेंचुरी से, और ये सिंगल, दो 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 हो गए। गाइस किंग कोहली की हाफ सेंचुरी हो चुकी है, और प्रीति जिंटा कहाँ, इनको क्यों दिखा रहे हैं, कोहली को दिखाओ। सेलिब्रेट नहीं कर रहे कोहली भाई, सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि उनका काम, अच्छा कर रहा सॉरी सॉरी कर रहा है ज्यादा खुशी से नहीं कर रहा है, हाँ, क्योंकि उसे पता है कि अभी उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इंडिया को 150 के स्कोर तक पहुँचाने, 116 हो गए अभी। और गाइज मैं अभी अपने दूसरे घर पे हूँ, और मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी, तो रूम काफ़ी ज़्यादा तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ सामान नहीं है यहाँ पे, बट खिड़कियाँ रेडी हो गई है, दरवाजे वगैरह पूरे हो चुके हैं, और दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। यहाँ पे पीसी वगैरह आएगा मेरा, बट वो तो चलो अभी बात की बात है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग टचेस बचे हैं, बट सोचा मैंने कि अपडेट दे दूँ कि भाई रेडी हो गया सीन। पर अभी अंधेरा हो रहा है, और ये खिड़की है, यहाँ पे बैठ के सैड सॉन्ग्स होंगे प्रॉपर, ठीक है। खिड़की के बाहर देखा जाएगा, और मज़ा आएगा। और गाइस रूम से बाहर आके यहाँ पे बालकनी है, और अभी यहाँ पे बहुत ही सही हवा चल रही है, तो रात को यहाँ पे चिल करने के लिए काफ़ी बढ़िया सीन हो गया, ठीक है। मज़ा बहुत आएगा यहाँ पे, सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस रूम। एक इनिंग्स खत्म हो गई है, इंडिया ने 150 रन बनाए हैं, ठीक है। उम्मीदें हैं कायम, ठीक है। कोहली भाई ने काफ़ी अच्छा स्कोर पहुँचा दिया इंडिया का, तो अभी थोड़ा बालकनी में आया, बढ़िया मौसम हो रहा है, ठीक है। ठंडी हवा चल रही है, चिल करेंगे। सबवे ऑर्डर कराया क्योंकि हेल्दी सबवे, ठीक है। हाँ मैं अपने हाथ में मतलब 10 मिनट से पकड़ा हुआ है, क्योंकि योगी की नज़र है इस पर, क्योंकि इन्होंने भी खाना ऑर्डर किया है, वो अभी तक आया नहीं है, तो ये कह रहे थे तेरा सबवे खाएंगे। मैंने कहा भाई कतई ना, क्योंकि मैंने हेल्दी मंगवाया, इन्होंने गलत चीज़ मंगवाई है, तो मेरे को क्या गलत, तो गलत चीज़ नहीं खाएगा तू? गलत चीज़ नहीं खाऊंगा मैं, तो तुमने क्या मंगवाया, रोल वगैरह मंगवाया ना? बर्गर्स नहीं खाऊंगा मैंने, अपना सबवे मंगवाया, क्योंकि पक्की बात नहीं खाएगा, पक्की बात नहीं खाऊंगा, क्योंकि डाइट पे थोड़ा बने रहना है अभी के लिए। अब तू कितना कितना करने वाला है वेट लॉस भाई? 4 किलो लूज करना है, मजाक की बात नहीं है। और डेडलिफ्ट में कितना लॉस होने वाला था? डेडलिफ्ट में लॉस नहीं होगा, बेंच प्रेस में होगा। डेडलिफ्ट मेरी कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, और एथलीट की लोअर बॉडी मूवमेंट जो होती है ना, स्क्वाट्स का क्या कहना है तेरे? स्क्वाट्स तो बढ़ जाएगी, मेरे कट में स्क्वाट्स बढ़ जाती है, और लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये मैं ऐसे वीडियो में बोल रहा हूँ, बेसिकली मेरी बात लड़कियों के बारे में होती है कि क्यों हम सिंगल हैं, क्या सीन हो रहा है, क्या गलती है हमें। हाँ, और लेकिन जब रिलेशनशिप में होता है तब लगता है कि साला रिलेशनशिप सिंगल क्यों नहीं, हाँ सिंगल होना चाहिए। ये वाली बात है मेरे ने बहुत सी बात की है कि जो मर्द है ना, मर्द वो कभी खुश नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, मर्द रह सकता है, मर्द जो मर्द नहीं रह सकता, मोस्टली इंसान आजकल मर्द है, मर्द है, ठीक है। गाइस सैडली इंडिया मैच हार गई, दुख है, बट एक बात बोलनी पड़ेगी कि वेरी वेल प्लेड कोहली एंड पथेटिक बॉलिंग बाय इंडिया, बट अब क्या कर सकते हैं, पहला मैच कोई दिक्कत बात नहीं है। हाँ शामी ने बहुत गंदी बॉलिंग करी, बट जो भी है आगे के लिए होप्स आई रखते हैं,
और पूरी प्लानिंग हो गई है कि जैसे ही अर्जुन वापस आएगा उसको हम पिक करने जाएंगे। पहले लेंगे, हां पहले से एक्साइटेड करेंगे, तेरे को लेने आ रहे हैं भाई, भाई है तेरे, भाई इतने दिनों बाद आया हां ये वो। और फिर स्लगर होगा गाड़ी में, स्लगर से पीटेंगे वहां पे और फिर भाग जाएंगे, भाग जाएंगे वहीं छोड़ के। हां बाकी वन लाइफ, वो क्या वन लाइफ, क्या साले वन लाइफ गाइस। बाकी हार जीत लगी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडिया पहले मैच हार गई, अभी भी उम्मीद है आगे वाले मैच जीतेगी इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ऑनलाइन देख रहा था, थोड़ी बहुत हेट फैल रही थी, ठीक है, मोहम्मद शामी के लिए और बाकी प्लेयर्स के लिए भी। तो भाई भाई गेम ही है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई, फालतू में लोग हेट फैलाते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने देखी थी, जब मैच शुरू भी नहीं हुआ था तो काफ़ी ब्रांड्स थे जो बेफालतू में पहले से ही पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थोड़ी सी बेइज्जती कर रहे थे कि भाई दूसरा टीवी खरीद लो, ये वो, ऐसे टाइप के मीम्स बन रहे थे। सो दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, तो उन ब्रांड्स की भी काफ़ी गंदी वाली बेइज्जती हुई है। मैंने कुछ शेयर नहीं करे और मैं उन मीम्स के फेवर में था। क्या कर रहे हो, चप्पल फेंक रहे हो यार, क्या है ये यहाँ पे, अबे क्या पागल है ये लोग। और गाइस एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि मैंने ऐसे ब्लॉग में बोला कि भाई अर्जुन गए दुबई में इसलिए हार गई, वो मैं मजाक में ऐसे बोल रहा हूँ, आपको पता है मैं मजाक में बोल रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाली थी, बट काफ़ी लोग अर्जुन की इंस्टाग्राम आईडी पे जाके उसे बोल रहे कि भाई तू मनूस है, तेरी वजह से हारा। तो भाई मजाक को समझा करो, मैं अपने दोस्तों के साथ मजाक करता हूँ क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आप ऐसे जाके मत वो करा करो यार, उसको थोड़ा बुरा बुरा लग गया, मुझे कह रहा था यार तेरे सब्सक्राइबर जैसा बोल रहे हैं, तो ये सब मत किया करो, थोड़ा समझा करो। और गाइस लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई है, ठीक है, बट अभी भी आप देखोगे ये ऑरेंज कलर का इंजन वाला जो है साइन अभी भी ये चमक रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो एक बार फिर से जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है सर्विस सेंटर, बट प्लीज़ अगर किसी को नॉलेज है इस बारे में तो मुझे बताना क्यों चल रहा है। बाकी गाइस वन लाइफ, जो भी लो दो लो, ठीक है, इन्जॉय करो लाइफ, दैट्स इट विद दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे और अस्ताला विस्ता मुर्गी ने शादी तुम्हारी माँ दी, जय हो। चलो गाइस बाय, नो हैंड्स करूँगा अभी, रुक जाओ, 1 2 3 नो हैंड्स। अरे मेरी बाइक पे क्रूज कंट्रोल है ना, तो इसलिए तो क्रूज कंट्रोल फिर से दिखाता हूँ, क्रूज कंट्रोल। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस, मिलते अगले वीडियो में, बाय। Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse.